धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देता हूँ अपने यूनिवर्सिटी के जनाब सलमानी सागर साहब को, जिन्होंने जो अपनी खिदमत इस ब्रिज को दिए हैं पिछले 10-12 सालों में होगा, उसके लिए बस उनका जितना हम शुक्रिया अदा कर सकें वो कम है। और मैं आज इतने जमा का मकसद पंडित लीडरशिप हाँ कि इंशाल्लाह ताला यूथ चार पूल द्रोम दिवस बचाओ के ये बात हर एक नौजवान पंडित मारस में पंडित तिहास में पंडित हलकस में ये सब कुछ पान उम्र अब्दुल्ला सर कुछ पान सागर सर कुछ पान नासिर सर क्या क्या चीज मारे शेख के दुश्मन ऐसे दिवान दावत में बिसे किस नाम के दिए गए बाकी शुक्रिया सलाम हमारे नॉर्थ के जोनल प्रेसिडेंट मैं सबसे पहले आपको सियासी तकरीर हम इन्हीं तक छोड़े क्योंकि हम इनको भी सुनने आए हैं। मैं यहाँ तमाम आए हुए तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा को यहाँ पर आने के बाद एक इज्जत बख्शी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इरफान मोहम्मद इरफान जागीर से गुजारिश करके वो आए और अपने ख्याल इरफान जागीर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे पार्टी के सीनियर और हमारे उस्ताद अली मामा सागर साहब, हमारे पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, हमारे पार्टी के वुमेन्स लीग की प्रेसिडेंट फिरदौसा जी, हमारे पार्टी के सारे लीडर जो हमारे स्टेज पर बैठे, आप सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कहा कि हम ये हालात जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहाँ के लोगों के लिए इंसाफ मांगेंगे। हमने वही बात जम्मू में की, वही बात कश्मीर में की, वही बात करगिल लद्दाख में की, वही बात दिल्ली में की। चाहे वो वजीर आजम की मीटिंग हो, चाहे वो अपोजिशन की मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मीडिया की इंटरव्यू हो, हम अपने मौकों पे कायम रहते हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है उससे आपने जम्मू कश्मीर की जो है बेइज्जती की, हमारा नुकसान किया, झूठे वादे हुए हमारे साथ, एक भी हमारे साथ किए हुए वादे पे ये लोग कायम नहीं रहे। कहा कि तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा, कौन सी नई तरक्की, कौन सा नया दौर, जरा दिखाएं मुझे 2019 के बाद कौन सा नया प्रोजेक्ट बना यहां पे। जिस टूरिज्म की ये बात करते हैं, जिस टूरिज्म को ये गंडोला दिखाते हैं गुलमर्ग में, गॉल्फ कोर्स दिखाते हैं पहलगाम में, सोनमर्ग में होटल दिखाते हैं, वो क्या आपके 19 के बाद बने क्या? एक उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतरा हुआ है, दो और उम्मीदवार जो है उतारने बाकी है, एक श्रीनगर पार्लियामानी हल्के से, एक बारामूला पार्लियामानी हल्के से। मुकाबला हमारा सबके साथ ये अब तय है। हैरानगी की बात यह है कि सबका निशाना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी कभी समझ में नहीं आता आखिरकार जम्मू कश्मीर की आज जो हालत है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर 370 हटा तो हटाने वाला बीजेपी, अगर हमारा झंडा हटाने वाला कोई, हटाने वाला बीजेपी, अगर हमारे आईन को हटाने वाला कोई, हटाने वाले बीजेपी, अगर हमारी रियासत के दो टुकड़े हुए किया बीजेपी ने, अगर हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया किया बीजेपी ने, अगर हमें 8 साल 9 साल 10 साल हमें अपनी चुनी हुई हुकूमत से महरूम रखा गया कराने वाले बीजेपी, पकड़ दकड़ कराने वाले बीजेपी, हमारे एनआईटी पसंद लीडरों के
बच्चों को, बच्चियों को, पोता पोती को धमकाने वाले, उनसे अखबारों में इश्तिहार डलवाने वाले लोग बीजेपी के। आखिरकार सारी तबाही जम्मू कश्मीर की जो हम आज देख रहे हैं उसके लिए कसूर बीजेपी का, लेकिन निशाना सबका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको भी देखे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनको और कोई टारगेट मिलता नहीं। इंतजामिया कहती है कि हमें आपके लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए लोग नहीं है, हर मीटिंग में हमें यही कहते हैं। जब हम उन्हें शिकायत करते ना कि हमारे मिनिस्टर हैं एक्स, उनके पास आज एक भी पीएसओ नहीं है, कम से कम उनको सिक्योरिटी दे दीजिए, वो कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है, लोगों की कमी है। लेकिन वो लोगों की कमी तब नजर नहीं आती जब हमें गाली देने वाले लोग जो है उनको फटाफट पीएसओ मिल जाता है।